हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज़ 48। आंगनबाड़ी आशा बहनों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप जानते हैं, देश के सभी राज्यों में 3 मई तक लॉकडाउन है। कोरोना के खिलाफ जंग में आंगनबाड़ी बहनें भी लगातार सरकार का साथ दे रही हैं। गाँव में, शहरों में, हर जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके लोगों को जागरूक कर रही है, राशन दे रही है। आंगनबाड़ी बहनों को जो है स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस वीडियो में हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं वह आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी है। उससे पहले राजस्थान में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए की बीमा योजना में शामिल कर लिया गया था और उत्तर प्रदेश में भी योजना में सरकार ने शामिल कर लिया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य से बड़ी खबर आ रही है। राज्य शासन को भेजा प्रस्ताव, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का सर्वे पूरा, 97,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 50 लाख का हेल्थ बीमा। प्रदेश की 97,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को की सुपरवाइजर और सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का मेडिकल बीमा मिल सकता है। महिलाएं बाल विकास विभाग ने जोखिम बीमा दिए जाने संबंधी एक प्रस्ताव बुधवार को राज्य सरकार के पास भेजा है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ 50 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ सहित आशा कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारियों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुलिस, राजस्व और नगरीय विकास विभाग के कर्मचारियों के लिए बीमा देने की घोषणा की है। इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए मांग, महिला बाल विकास विभाग की ने भी कोरोना के लिए काम कर रही सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए राज्य सरकार से 50 लाख रुपए की जोखिम बीमा मांगा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि विभाग के ये कर्मचारी कोरोना संक्रमण की रोक में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कार्यकर्ताएं घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं, तो बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने का के लिए घर घर जा रही हैं। तो अब आंगनबाड़ी बहनों को मध्य प्रदेश राज्य के अंदर भी 50 लाख रुपए की बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। उससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य ने, राजस्थान राज्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले शामिल कर लिया है और देश के अन्य राज्यों में भी बहनों को जल्दी से जल्दी शामिल करना चाहिए और बहनों का जो रुका हुआ वेतन है वो भी जल्दी ही जारी हो जाएगा, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए थे। तो ये थी आज की खास अपडेट्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।